तीन साल पूरे होने पर क्या कहा प्रभास ने, कि उठ रहे हैं प्रभास और अनुष्का की दोस्ती पर सवाल, कितना साथ दिया प्रभास ने कोरोना काल में लोगों का। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बॉल गया स्टूडियोस में। आज मैं बात करने वाली हूँ बाहुबली फ्रेंचाइजी की बाहुबली 3। ये सब जानते हैं कि सुपरस्टार प्रभास की फिल्म बाहुबली और बाहुबली 2 सुपरहिट फिल्म थी। फिल्म ने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए थे। पिछले साल बाहुबली 2 को 3 साल पूरे हो गए तो प्रभास ने अपने फैंस के लिए एक स्पेशल मैसेज लिखा था। प्रभास ने फिल्म के सेट पर फोटो शेयर करते हुए लिखा, बाहुबली 2 केवल एक ऐसी फिल्म नहीं थी जिसे देश से प्यार था, बल्कि ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी फिल्म थी। मैं अपने फैंस, टीम और डायरेक्टर एस एस राजामौली का बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। बाहुबली 2 और को 3 साल हो गए हैं और इस फिल्म को मिले प्यार के लिए मैं आभारी हूँ। बता दें, बाहुबली के रिलीज होने के बाद से प्रभास और अनुष्का शेट्टी के रिलेशनशिप की खबरें काफी चर्चा में थी। ऐसा कहा जा रहा था कि दोनों शादी कर सकते, हालांकि दोनों ने हमेशा एक दूसरे को दोस्त बताया। कुछ दिनों पहले एक इंटरव्यू में अनुष्का ने प्रभास के साथ अपनी बॉन्डिंग को लेकर कहा था, मैं प्रभास को पिछले 15 साल से जानती हूँ, वह मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त है। हमारी दोस्ती इतनी स्ट्रांग है कि मैं सुबह 3 बजे भी उन्हें कॉल कर सकती हूँ। हम बहुत क्लोज हैं एक दूसरे के, क्योंकि हम दोनों की शादी नहीं हुई और हमारी ऑन स्क्रीन जोड़ी भी अच्छी है। अगर हमारे बीच कुछ भी होता है तो हम सब आपको सबसे पहले बताएंगे और आपको पता भी चल जाएगा हम दोनों की, जो अपनी फीलिंग्स नहीं छुपाते एक दूसरे के लिए। और हाल ही में प्रभास की शादी की खबरों से ये साफ हो गया कि अनुष्का शायद सच्ची कह रही। आपको बता दें, प्रभास 2021 में अमेरिका स्थित सॉफ्टवेयर कंपनी के मालिक की बेटी से शादी करने जा रहे हैं। शायद यह भी एक वजह है कि वो बाहुबली की अगली फिल्म में नहीं होने वाले। इसी फ्रेंचाइजी की अगली फिल्म बाहुबली 3 आने वाली है, जो इससे अलग कहानी और अलग किरदारों वाली कहानी होने वाली है। हालांकि इसमें प्रभास नहीं होने वाले, लेकिन बेशक इसकी कहानी अनोखी होगी। इसकी शूटिंग उत्तराखंड की वादियों में की जाने वाली है। इसकी कहानी, किरदार, सबके बारे में जानने के लिए हमारे चैनल के साथ लगातार अपडेट में रहिए। हम आपको इससे जुड़ी सारी किस्से और खबरें साझा करते रहेंगे। आज की हमारी स्क्रिप्ट लिखी है मनीषा जैन और मैं हूँ पूनम। अगर आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज उसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा।